Today we will study about what is PIVD, prolapse intervertebral disc. It is also known as slip disc or disc protrusion or LBA, low back pain or low back ache. Like as we know, there are different vertebras like cervical, cervical, thoracic, lumbar, sacrum, okay. हर जो हमारी वर्टिब्रास होती है उसके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट होती है, स्पेस रहता है जिसमें रहते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड इंटरवर्टिबल डिस्क। एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल बॉडीज। दीस आर पेडिकल्स and these are basal trunks jo hamari intervertebral disc hoti hai, it provides soft cushion, it provides soft cushion to the vertebra and work as a shock absorber. Any degenerative changes or jerky movement or heavy weight lifting can lead to this condition. जो हमारी This is cartilage end plate. जो हमारा inner side सबसे अंदर वाला होता है वो होता है nucleus pulposus. And जो हमारा outer से middle थोड़ा अंदर वो होता है हमारा annulus pulposus. जो हमारा nucleus pulposus होता है it contains around 60-80% of water. जो हमारे कार्टिलेज होते हैं इसमें प्रेजेंट होता है हायर कार्टिलेज, जो हमारे एंड इज एंडोसिटोसिस, हमारा खुद ही ओवर प्रेशर, लाइक हमारी लीड की हड्डी पे जब भी ओवर प्रेशर आ जाएगा तो ये फ्लूड होता है एंडस एंडस और न्यूक्लियस पर्पसेस, ये फ्लूड प्रोस्ट्रूड करके बाहर की तरफ निकल जाता है। ओवर प्रेशर की वजह से क्या होता है, कुछ भी ट्रॉमेटिक इंजरी कैन लीड टू दिस कंडीशन। Now there are four stages of PIVD. Like the first one is degeneration. Degeneration in which like कह सकते हैं acute stage भी होती है हमारी starting stage and then फिर prolapse, disc protrusion भी बोल सकते हैं जिसे prolapse, extrusion. And the last is sequestration. Symptoms होंगे जो patient feel करेगा during this condition. The first one is like severe LBA, severe low back pain. Severe low back pain. And the next one is tenderness. आप पेल्पेट करके देखोगे, दबा के देखोगे तो पेशेंट पेन फील करेगा इन द लंबर रीजन, लोअर बैक पेन। एंड द थर्ड वन इज मसल स्पैज़म, मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी अराउंड द पेन एरिया, लाइक अराउंड द लंबर एरिया पे बहुत ज्यादा मसल्स स्टिफ हो जाएगी। एंड द फोर्थ वन इज वॉकिंग पेन, पेशेंट जब भी चलेगा तो उसे पेन फील, पेन बढ़ेगा एंड जब भी पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन पे होगा तो दर्द कम होगा, दैट इज वॉकिंग पेन। एंड द फिफ्थ वन इज टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग और नंबनेस, टिंगलिंग और नंबनेस इन द लेग। एंड द लास्ट वन इज पेन टुवर्ड्स बटक एंड लेग।
पेन टूवर्ड्स वर्टेब्रल लेग एंड फीट। जो पेशेंट पेन फील करेगा वो हिप में, लेग में एंड नीचे तक उसके पैर में पेन जाएगा। तो हमने पढ़ा था सीवियर एलबीए हो सकता है, उसे कमर में पेन होगा, टेंडन अगर आप दबा के देखोगे तो पेशेंट को पेन फील होगा, मसल्स फॉर मसल टाइटनेस हो जाएगी, वॉकिंग पेन, जब भी पेशेंट चलेगा चलने में पेन होगा, ड्यूरिंग रेस्टिंग पोजीशन वो ठीक रहेगा, टिंगिंग सेंसेशन, नबड़ा चीटी चलना सुनपन होगा उनके पैरों में, एंड पेन टूवर्ड्स बटन एंड लेग हिप में पेशेंट को हिप लेग में पेन फील होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द कॉसेस ऑफ पीआईबीडी, लाइक पूर न्यूट्रिशन डाइट, पूर हेल्दी हैबिट्स, ट्रॉमा, रिपीटेटिव मैकेनिकल एक्टिविटीज, ओबेसिटी, पूर पोस्चर्स, टोबैको एंड म्यूटेशंस। लाइक पूर न्यूट्रिशन डाइट, लाइक जो भी हम कुछ खा रहे हैं प्रॉपर इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स में, लाइक जिसे पूरा या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, हमारी बॉडी कर नहीं पाती, या एक्सेसिव लाइक पेस्टिसाइड्स यूसेज ऑफ फूड्स जिसकी वजह से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, लाइक पूर हेल्दी हैबिट्स लाइक ईटिंग टू मच अनहेल्दी फूड्स लाइक स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक एंड एक्सेट्रा, एनी ट्रोमेटिक इंजरी लाइक एनी एक्सीडेंट, रेपिटेटिव मैकेनिकल एक्टिविटीज लाइक वर्किंग हैवी लोड, वर्किंग और लिफ्टिंग हैवी लोड और एनी हैवी एक्सरसाइजेस विच लेड टू दिस कंडीशन, ओबेसिटी, ओवरवेट, पुअर पोस्चर्स कैन लेड टू दिस कंडीशन, टोबैको, एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको, लाइक एक्चुअली टोबैको में टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जो कि इनएडुकेट हमारी स्पाइन्स में इनएडुकेट कर देता है न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्ब नहीं होने देता, एंड द लास्ट वन इज म्यूटेशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं ड्यूरिंग इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। ट्रीटमेंट सबसे पहला हम टेंस यूज कर सकते हैं, टेंस, यूएस एंड हॉट पैक, एंड वी कैन यूज लंबर बेल्ट फॉर सपोर्ट, एंड थर्ड वन इज एक्सरसाइजेस, हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक द फर्स्ट वन इज बेसिक एक्सरसाइजेस नीड टू चेस्ट, दीज आर द बेसिक एक्सरसाइज दैट वी कैन डू, नीड टू चेस्ट, पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच, एंड द थर्ड वन इज पेल्विक रोटेशन, एंड द फोर्थ वन इज ब्रिजिंग, दीज आर सम बेसिक एक्सरसाइजेस विच वी कैन डू, ये हम एक वीडियो भी लास्ट में एड कर देंगे जो एक्सरसाइजेस है इनकी। तो दीज आर द सम बेसिक एक्सरसाइजेस जो हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग बैक पेन, फॉर द फर्स्ट वन इज नी टू चेस्ट, पैर मोड़ो, पंजे अपनी तरफ करके, हाँ, 2-3 सेकंड होल्ड करना है, 1, 2, 3 रिलीज खींचो, 1, 2, 3 रिलीज करो, 1, 2, 3 रिलीज, 5-10 रेपिटेशन आफ्टर हॉट पैक, देन फिर अपोजिट लेग से सेम ऐसे, 1, 2, 3 1, 2, 3 सेम दोनों पैर से करनी है 5-10 रेपिटेशन। नाउ द सेकंड वन इज पेरिफोर्मिस स्ट्रेच, दोनों पैर मोड़ो, अपोजिट नी पे स्ट्रेच देना, 2-3 सेकंड होल्ड करना है, 1, 2, 3 1, 2, 3 सभी एक्सरसाइजेस 5-10 बार करनी है, फिर अपोजिट लेग से सेम ऐसे, 1, 2, 3 1, 2, 3 आप दोनों पैर सीधे कर लो। नाउ द थर्ड वन इज पेल्विक रोटेशन, दोनों पैर मोड़ो अपने, जो फेस है हमारा फेस अपोजिट रहेगा मूवमेंट के, उस तरफ देखो, 2-3 सेकंड सेम, 1, 2, 3 देन फिर अपोजिट 1, 2, 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 पैर सीधे करो। नाउ द लास्ट वन इज ब्रिजिंग, दोनों पैर मोड़ो, कमर उठानी है, सेम 2 2 3 सेकंड होल्ड, 1 2 3 डाउन अप, 1 2 3 उठाओ, 1 2 3 करो, 1 2 3 लास्ट, 1 2 3 सेम। हमें सारी एक्सरसाइजेस 5 से 10 बार करनी है, ये ध्यान रहे आफ्टर वॉश पैड।